सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। सो ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, ट्रांसफार्मर विथ नो लीकेज रिएक्टेंस एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। सो ए वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नो लोड मतलब क्या है, पहले ही हम लोग बता चुके हैं। नो लोड मतलब क्या है, ये ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी नो लोड व्हेन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ओपन सर्किटेड। इन दिस नो लोड कंडीशन I2 का वैल्यू कितना होगा, सेकेंडरी करंट का वैल्यू क्या कितना होगा, जीरो होगा। सिंपली एक सिंपल सा ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम लिया, यहां पे V1 इज द प्राइमरी वोल्टेज, E1 इज द इंड्यूस्ड EMF ऑन द प्राइमरी साइड, I0 इज द प्राइमरी करंट, और इसको नो लोड करंट भी बोल सकते हैं। N1 इज द नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड, N2 इज द नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड, E2 इज द इंड्यूस्ड EMF ऑन द सेकेंडरी साइड, एंड V2 इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी साइड, 5M इज द फ्लक्स। सेकेंडरी टर्मिनल ओपन सर्किट रहेगा, इसलिए हमने लोड नहीं दिए यहां पे। सो ओपन सर्किट रहेगा, नो लोड कंडीशन पे सेकेंडरी टर्मिनल ओपन सर्किट रहेगा। ओके, ओपन सर्किट किया। अब ये जो I0 है इसका दो कंपोनेंट रहेगा। I0 क्या है, नो लोड करंट। नो लोड करंट का दो कंपोनेंट रहेगा। सो फर्स्ट जो कंपोनेंट है IW। सो IW इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस एंड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ I2R लॉसेस इन द प्राइमरी साइड। IW को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट और वाटफुल कंपोनेंट बोलते हैं। IW V1 के साथ, V1 क्या है, प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज, और प्राइमरी और अप्लाइड वोल्टेज V1 के साथ इन फेज में रहता है IW। इसके बाद जो सेकेंड कंपोनेंट है I0 का, IMU, दैट इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट और वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द नो लोड करंट। ओके, सो IMU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटाइज द कोर, दैट इज इट मैग्नेटाइज द कोर, दैट इज इट सेट अप ए फ्लक्स इन द कोर, एंड देयरफॉर IMU इज इन फेज विथ 5M। कोर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो कंपोनेंट है IMU, दैट इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, दैट इज द वाटलेस कंपोनेंट। क्या करेगा, IMU के वजह से ही 5M प्रोड्यूस होता है, दैट इज 5M सेटअप होता है। ओके, सो IMU एंड 5M इन फेज में रहेगा। सो यहां पे I0 का दो कंपोनेंट रहता है, IW एंड IMU। IW इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस एंड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ I2R लॉसेस इन द प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, IW को हम लोग बोलेंगे एक्टिव कंपोनेंट और वाटफुल कंपोनेंट ऑफ द नो लोड करंट, एंड IW इन फेज में रहेगा अप्लाइड वोल्टेज के साथ। ओके, इसके बाद IMU, IMU को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट और वाटलेस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। सो IMU के वजह से ही कोर मैग्नेटाइज होगा, मतलब इट मैग्नेटाइज द कोर, दैट इज इट सेट अप ए फ्लक्स इन द कोर, एंड देयरफॉर IMU इज इन फेज विथ 5M। सो कोर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, IMU, दैट इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी नो लोड करंट। ओके, IMU एंड 5M इन फेज में रहेगा। फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड, यहां पे हम लोग एक कंडीशन ले लिया जो कि है ट्रांसफार्मर विथ नो लीकेज रिएक्टेंस एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। मतलब प्राइमरी में वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सो वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है फेजर डायग्राम ड्रॉ करना। फर्स्ट हमने यहाँ पे रेफरेंस फेजर
ले लिया फाइ एम को, ओके फाइ एम को हमने रेफरेंस फेजर मान लिया। अब आई म्यू एंड फाइ एम इन फेज में रहेगा क्योंकि आई म्यू के वजह से फाइ एम प्रोड्यूस हुआ था, सो इन फेज में हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। ओके क्लियर। आई म्यू दैट इज द मैग्नेटाइजिंग करंट वी वन से 90 डिग्री में लैग करेगा क्योंकि ये एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। ओके अब वी वन एंड आई डब्ल्यू दैट इज द वाटफुल कंपोनेंट ऑफ आई इज नॉट, ये जो आई डब्ल्यू है इन फेज में रहेगा वी वन एंड आई डब्ल्यू। ओके सो इसका हम लोग रिजल्टेंट लेंगे तो आई नॉट मुझे मिलेगा, आई म्यू एंड आई डब्ल्यू का रिजल्टेंट लेंगे तो मुझे मिलेगा आई नॉट। ओके एंड इस एंगल को हम लोग फाइ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नो लोड फेज एंगल और द और पावर फैक्टर एंगल भी इसको बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ वी वन को वी वन के वजह से यू वन प्रोड्यूस हुआ था मगर यू वन क्या करेगा वी वन को अपोज करेगा, सो वी वन इक्वल टू माइनस यू वन लिख सकते हैं, सो इसका ऑपोजिट होगा यू वन, तो यू वन फेजर कहां पे ड्रॉ करेंगे यहां पे यू वन, सो फाइ एम के वजह से यू वन एंड ई टू प्रोड्यूस हुआ था, सो यू वन एंड ई टू लैग करेगा फाइ एम से 90 डिग्री एंगल में। ओके एंड ई वन एंड ई टू का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न के ऊपर, अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेगा तो ई वन का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, अगर सेकेंडरी में सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेगा तो ई टू का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। ओके सो दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है ये फेजर डायग्राम। फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम कॉस फाइ नॉट अगर कॉस फाइ नॉट इक्वल टू नो लोड पावर फैक्टर अगर होगा तो आई म्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन फाइ नॉट एंड आई डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं आई नॉट कॉस फाइ नॉट। सो इसको नंबर वन से रिप्रेजेंट किया, इस इक्वेशन को नंबर टू से रिप्रेजेंट किया, टेकिंग स्क्वायर इन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वन एंड टू एंड देन एड देम, मतलब स्क्वायर ले लिया बोथ साइड स्क्वायर कर दिया और उसके बाद क्या किया इक्वेशन को ऐड कर दिया, मतलब फाइ म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर दैट इक्वल टू क्या होगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ नॉट प्लस आई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ नॉट। सो यहां से आई नॉट को कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर फाइ नॉट प्लस कॉस स्क्वायर फाइ नॉट का वैल्यू क्या होगा, ये वन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है वन होता है, सो यहां पे हमने वन लिख देंगे, सो मुझे मिल गया आई नॉट इक्वल टू रूट टेंडर ऑफ आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर थ्री मानेंगे। नाउ कॉस फाइ नॉट इक्वल टू आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आई नॉट, ओके कोर लॉस दैट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं वी वन आई नॉट कॉस फाइ नॉट, अब कॉस फाइ नॉट के जगह पे आई डब्ल्यू बाई आई नॉट लिख दिए, सो आई नॉट कैंसिल आउट, सो एक्चुअल में मुझे क्या मिल गया एक्टिव कॉम्पोनेंट और कोर लॉस, कोर लॉस इक्वल टू क्या बोल सकते हैं वी वन इन टू आई डब्ल्यू, इसका यूनिट क्या होगा वाट में, सो कोर लॉस इक्वल टू वी वन इन टू आई डब्ल्यू। ओके सो ए एक्चुअल में क्या है एक्टिव कंपोनेंट है और जो रिएक्टिव और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है मैग्नेटाइजिंग वोल्ट एम्पियर दैट इक्वल टू वी वन आई नॉट साइन फाइ नॉट। फ्रॉम इक्वेशन वन साइन फाइ नॉट इक्वल टू आई म्यू बाई आई नॉट, सो यहां पे पुट कर दिया साइन फाइ नॉट के जगह पे पुट कर दिया, सो मैग्नेटाइजिंग वोल्ट एम्पियर दैट इक्वल टू वी वन आई नॉट इंटू आई म्यू बाई आई नॉट, सो आई नॉट कैंसिल आउट, सो दैट इक्वल टू वी वन इंटू आई नॉट दैट मच भार वी ए आर, सो दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट और एंड दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट।
कंपोनेंट और वाटफुल कंपोनेंट, नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर। सो यहां पे V1 है प्राइमरी वोल्टेज जो कि हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, I0 इज द प्राइमरी करंट, यहां पे IW इज द वाटफुल कंपोनेंट, IMU इज द क्या है रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ I0 है, U1 इज द प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF, E2 इज द सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF एंड V2 इज द सेकेंडरी वोल्टेज। यहां पे हम लोग एक्चुअल में आइडियल ट्रांसफार्मर यूज किया क्योंकि यहां पे ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट किया, सो दैट्स व्हाई दिस ट्रांसफार्मर इज आइडियल ट्रांसफार्मर। फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IW इंटू R0, मतलब क्या है कैसे मिला, यहां पे हम लोग KVL लगाएंगे, ये जो लूप है यहां से हम लोग KVL लगाएंगे, KVL लगाएंगे तो क्या होगा, V1 इक्वल टू IW इंटू R0 एंड इसको अब उस सेकेंड KVL कैसे लगाएंगे, इसको ऑफ कर देंगे और इसमें लगाएंगे, सो क्या होगा V1 इक्वल टू IMU इंटू X0। सो वही तो लिखा V1 इक्वल टू IW इंटू R0 एंड V1 इक्वल टू IMU इंटू X0, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 एंड 2, सो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, V1 स्क्वायर इक्वल टू IW स्क्वायर प्लस R0 स्क्वायर एंड V1 स्क्वायर इक्वल टू IMU स्क्वायर इंटू X0 स्क्वायर, सो इसको इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको 4 माना। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं कि IW स्क्वायर दैट इक्वल टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R0 स्क्वायर, लिख सकते हैं IMU स्क्वायर, यहां से कैसे मिलेगा, IMU स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई X0 लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, IW स्क्वायर प्लस IMU स्क्वायर दैट इक्वल टू V1 स्क्वायर R0 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई X0 स्क्वायर। ओके, सो यहां से हमको क्या मिला कि IW स्क्वायर प्लस IMU स्क्वायर दैट इक्वल टू I0 स्क्वायर, सो I0 इज नथिंग बट रूट टेंडर ऑफ IW स्क्वायर प्लस IMU स्क्वायर। सो अल्टीमेटली कोर लॉस जो मुझे यहां से मिला है, कोर लॉस इक्वल टू IW स्क्वायर इंटू R0, सो IW स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला था, V1 डिवाइडेड बाई R0, सो V1 बाई R0 होल स्क्वायर द इंटू R0, सो R0 एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोर लॉस मिलेगा, कोर लॉस इक्वल टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R0। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑनलोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन देखेंगे एंड फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करेंगे। ओके, थैंक यू।